नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। उरई जालौन सदर उरई तहसील में तैनात राजस्व संग्रह अमीन अनिरुद्ध सिंह आज मंगलवार की सुबह बाइक से सवार होकर कोंच रोड स्थित उसर गांव सरकारी वसूली करने जा रहे थे, तभी कोंच रोड चौराहा के पास झांसी की ओर से तेज गति से आ रही शताब्दी बस नंबर UP 75 AT 4764 के चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अमीन गंभीर रूप से घायल हो गए तथा मौके का फायदा उठाते हुए बस का चालक भाग जाने में सफल हो गया। वहां पर मौजूद राहगीरों ने घायल संग्रह अमीन अनिरुद्ध सिंह को लाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार कुमार भूपेंद्र सिंह, संग्रह अमीन पवन जैन, संग्रह अमीन वरुण गुप्ता, सदर नाजिर भानु श्रीवास्तव सहित तहसील कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और घायल अमीन को उपचार करवाने में लगे रहे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनुज प्रताप सिंह है। कहाँ सर्विस करते हो? तहसील उरई। सुबह जो घटना हुई थी कहाँ जा रहे थे आप? हम वसूली सरकारी कार्य वसूली करने उसर गांव जा रहे थे। उसर गांव जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? बाइक से। जब उसर गांव जा रहे तो घटना कब हुई? घटना 7:30 से 7:45 के बीच में। किस जगह पे हुई? ये कोच रोड की तराया पे बाईपास वाली। तो किसने ये टक्कर आपकी बाइक में किसने मारी? वो गाड़ी थी तबरे चोरी वाली, कौन गाड़ी बोला था ना? स्लीपर बस। उसका नंबर क्या है? नंबर हमारे मोबाइल में लिखा है साहब। नहीं तो ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये गाड़ी आ रही थी झांसी साइड से। तो झांसी चौराहे पे ही चक्कर मारी? हाँ। कोई दरखास्त था क्या? कोई शिकायती पत्र दिया है? दही थी प्रार्थना पत्र देर में लाने, तो वो कह रहे हैं कि हम सीधी बात कर लें अगर कुछ हो। नहीं, किसको दिया शिकायती पत्र? चौकी इंचार्ज बस स्टैंड, उन्होंने नहीं ली प्रार्थना। नहीं तो कोतवाली में क्यों नहीं दिया? कोतवाली में गए थे, उन्होंने फोन कर दिया था कि चौकी जाइए वहीं का प्रकरण है। नहीं तो आपके तहसीलदार हैं जो, उन्होंने क्या मदद की? वो आए थे अस्पताल में, पट्टी करवा रहे हैं, लेटा रहे। तो उन्होंने कोतवाल वगैरह उच्च अधिकारियों से बात नहीं की थी? हमें संज्ञान मिल गया वहाँ। क्या पैर फ्रैक्चर? दोनों में फ्रैक्चर है? बस नंबर याद नहीं है? बस नंबर याद नहीं है, मोबाइल में लिखा है। ठीक, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।